नमस्कार दोस्तों, सतीश कुमार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वैसे टॉपिक नया नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग भली भांति जानते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का भी ढेर सारा वर्क हमारे देश में अभी चल रहा है। आने वाले दशक में एजुकेशन का एक पॉइंट बनेगा डिजिटल इंडिया। हो सकता है बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़े, हाँ सोच सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि जो पढ़ाई हम स्कूल में जाकर करेंगे वो पढ़ाई घर में बैठ करके भी किया जा सकता है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है अपने चरम सीमा पर है। हर एक दिन हम कुछ नया नया चीज़ देखते आ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया में होगा क्या? सपोज अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर को 100 रुपया या 200 रुपया महीना थमा देते हैं, शिक्षक के पास 30 विद्यार्थी है, मान लेते हैं 30 विद्यार्थी है, 30 × 60 यानी 6000 रुपया ऐसा होता है इनकम। कोचिंग का ये प्रोसेस रहा, हाँ इसको हम प्रोफेशनल किया जाए। अब डिजिटल इंडिया में यही पढ़ाई कैसे होगा? जैसे अभी हम वीडियो अपलोड करते हैं, कोई एक चैप्टर को पकड़िए, ठीक, जैसे 10th लेवल तक स्टूडेंट को हमको पढ़ाना है, तो 10th लेवल के स्टूडेंट का हम लोग सिलेबस एक तैयार कर लें और उसके हिसाब से हम 10th के हिसाब से हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो और पढ़ा करके ट्यूटोरियल तैयार करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ा करके ट्यूटोरियल बनाने के बाद स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, हमारे 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। वो स्टूडेंट सब होगा, वो हमारे वीडियो को देखेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियसली इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। यानी आप यूट्यूब के माध्यम से भी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ 2018 का अपडेट तो कुछ इधर उधर वाला है, लेकिन यदि हम ट्विटर का काम करें, यदि हम इंटरनेट के माध्यम से वीडियो अपलोड करके ट्यूशन का काम करें तो आसानी से हो सकता है। उसमें स्टूडेंट को कम खर्च पड़ेगा, अभी 200 रुपया महीना देना पड़ता है। यदि हम चैप्टर वाइज बना ले तो घर में बैठ करके विद्यार्थी पढ़ लेगा ना, 1-2 रुपया महीना पड़ेगा, ठीक, आपका इनकम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो डिजिटल इंडिया में यही सब होगा, हम घर बैठे अपने एंड्रॉयड सेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और इजी वे में। यह हमारा एक अलग सोच बन जाएगा डिजिटल इंडिया। तो वैसे डिजिटल इंडिया यहाँ पर आया, डिजिटल इंडिया पर कार्य चल रहा है, प्लेटफॉर्म पर है, और हम अभी देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया पर काम बहुत ज़्यादा हुआ। वैसे जियो जब से आया है अपने देश में तो जियो ने तो और डिजिटल इंडिया को और मजबूती प्रदान किया है। ये बात सही है, सच है कि जियो आकर के डिजिटल इंडिया के मार्ग को और प्रशस्त कर दिया, ठीक। इंटरनेट का स्पीड 4G स्पीड मिल रहा है, पहले 2G पर चलता था, ऐसे ऐसे बफरिंग होता रहता था, अब 4G का स्पीड है, हम लोग 4G का आनंद ले रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद लेटेस्ट में 5G आएगा, 6G आएगा, तो हम अप टू डेट होते जा रहे हैं। इस मीडिया के क्षेत्र में हम लोग अप टू डेट होते जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब ऐसा प्रगति हो रहा है, विकास की दर अवरुद्ध नहीं है, बढ़ती जा रही है, तो हमें कुछ नया सोच बनाना होगा। हाँ मैं अपने उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि 2018 का अपडेट कोई बड़ी अपडेट नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, हाँ इसको आप एज ए करियर मत बनाना है, इसको पार्ट टाइम के रूप में, यदि आप अपना कोचिंग चला रहे हैं तो आप पार्ट टाइम के रूप में आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, अपना चैनल बनाइए और चैनल पर एक टॉपिक रखिए, एजुकेशन रखते हैं। आपको जिस विषय में आनंद है, साइंस पढ़ाना चाहते हैं साइंस पढ़ाइए, मैथ पढ़ाना था मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, जो कुछ आपको अच्छा लगता है पढ़ाने में उसका आप टॉपिक बनाइए, उससे रिलेटेड स्टूडेंट आपसे जुड़ेंगे। आप अपना इंट्रो दीजिए, आप बताइए कि हम ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों के बीच में रखेंगे, इस लेवल तक के स्टूडेंट को हम हेल्प करेंगे, ठीक, आपके साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे और आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज करेगा, वही सब्सक्राइबर आपका स्टूडेंट होगा, आपका विद्यार्थी होगा, जो आपके वीडियो को देखेंगे, उससे सीखेंगे और आपको इससे
कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक, तो आप अपने अर्निंग को दोगुना कर सकते हैं। हाँ, शुरू में फर्स्ट महीने आपको अच्छे से वीडियो आप तैयार कीजिए। पहले तो आपको सब्सक्राइबर गेन करना है ना, अपने स्टूडेंट को। आप कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो एक दो स्टूडेंट लेकर के कोचिंग तो स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम स्टूडेंट कोचिंग स्टार्ट करते हैं एक दो सब्सक्राइबर या बिना सब्सक्राइबर का ही, या ऑनलाइन क्लास है, डिजिटल इंडिया के रूप में है तो ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप अपने से वीडियो बनाइए और मार्केट में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट सबको रिक्वेस्ट भेजिए। उनको बताइए कि देखिए मैं अपना कोचिंग एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो आप हमारे कोचिंग में आइए, आनंद उठाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये कोचिंग है, तो आप कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे करके आप अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए। आपके स्टूडेंट आपके चैनल पर आएंगे, आपके वीडियो को देखेंगे, यदि उसको अच्छा लगा आप कुछ सब्सक्राइब करेंगे आपके चैनल को, तो फिर जा करके आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। धीरे धीरे आपके कोचिंग का जो लेंथ है, स्टूडेंट का जो संख्या है, वो बढ़ेगा और फिर आप एक प्रोफेशनल ट्यूटर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी नया चीज़ मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो सब्सक्राइब्ड लिखा जाएगा, यानी वो ब्लैक कलर का बन जाएगा। यदि आपके नीचे में रेड रंग का कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको आप दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको दाहिने साइड में एक घंटी का निशान मिलेगा, उस पर प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट टू अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों।